क्योंकि यहाँ पर हम अभी गए थे पोचिंग की पर और यहाँ पर आ गई थी लगभग 6 से 7 स्क्वाड्स। अभी इनको तो इजीली निपटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें उतरते ही गन मिल जाएगी, बट उसके बाद क्या होता है M249 मिलेगी। M249 के रेड डॉट का स्प्रे दे देके चलती गाड़ियां फोड़ेंगे और साथ के साथ M24 के हेडशॉट जो जड़ेंगे ना बंदों के, मतलब एकदम मजा सा आ जाएगा। लेकिन गाइस एंड में एक इतनी जबरदस्त सिचुएशन हो जाएगी, मतलब कि 4 बंदे बचेंगे, पूरी 1v4 सिचुएशन होगी और उन चारों बंदों के पास पूरी ड्रॉप की बहुत तगड़ी लूट होती है, मतलब खतरनाक सीन हो जाता है। लेकिन देखना हम उन चारों लोग को कितना बुरा मारते हैं। तो अभी हम उतर चुके हैं पोचिंग के पे और यहाँ पर अब देखो लूटना शुरू कर दिया, लेकिन हमें स्कारल मिल चुकी है और हर साइड से फायरिंग का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर अब चलेंगे सीधा बंदे कूटने। फिलहाल यहाँ पर एक टीम तो जो है खत्म हो गई थी और जो 3 लोग को मैं नॉकडाउन कर रहा था मेरे को 3 की किल आ गए। अब सीन क्या था, सामने वाले घर में एक बंदा ऊपर वाले फ्लोर पे कैंप कर रहा था और एक बंदा नीचे वाले फ्लोर पे। तो चलो भैया इनकी बैंड बजाते हैं। ये बंदा यहाँ पर खड़े होके क्लैपिंग वाला इमोट कर रहा है, मतलब क्या यार इतनी बढ़िया लूट ले रखी है और यहाँ पर टाइम पास कर रहा है खड़े होके। तो फिलहाल हमने इस बंदे को मारा और तभी जिस बंदे को नीचे नॉकडाउन कर रहा था उसके टीममेट आ जाएंगे। तो भाई बाल बाल बचे, मतलब कि यार क्या ही बताऊं, मैंने गन स्विच करने की जगह गन को अंदर रख दिया और उसके बाद उसके 2-3 मुक्के जड़ दिए और तो फाइनली लेकिन हमने दोबारा से गन निकाल के उसको मारा। बट यहाँ पर अपनी हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा चलेगी और आगे की तरफ बहुत सारे बंदे लड़ रहे थे तो उन पर ही पुश करना है। खैर इन तीनों को तो यहाँ पर हमने निपटा दिया, तभी लेफ्ट से एक बॉट भी आ जाएगा तो उसको भी मार देंगे। तो भाई अपनी पोचिंग की में अच्छे खासे किल जो है निकल चुके थे, तभी मैंने कहा चलो यार फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी लगभग 43 अलाइव हैं, तो यहाँ पर हम अच्छे खासे किल से निकाल सकते हैं एकदम फुल रश खेल के। तो यहाँ से मैंने सीधा गाड़ी उठाई और हमेशा जहाँ पर बंदे जाते हैं रोजॉक पे वहीं पर आ गया। लेकिन आज हमारे साथ हो गया स्कैम, मतलब कि यार मैंने पूरा ढूंढा, सारे गेट वगैरह भी खुले हुए थे, रोड पार के नहीं खुले थे लेकिन उस तरफ के खुले थे, बट यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। स्कूल भी चेक करा, पार्टनर भी चेक करा, कोई नहीं था। तभी मुझे इधर उधर घूमते हुए सामने की तरफ एक बग्गी दिखी और मैंने उसको सीधा चेस करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा तो सामने बग्गी भी खड़ी थी और बंदा भी यहीं पर कैंप कर रहा था, तो देखना इसको कैसे मारेंगे।
तो भाई साहब ये बंदा काफी हाई लेवल कैंपिंग कर रहा था, मतलब एकदम बक्से के पीछे जाकर बैठ गया और उसका सिर्फ और सिर्फ हेड दिख रहा था बिल्कुल जरा सा, और मैंने हल्का सा एंगल बनाया और उसके पूरी की पूरी गोलियां इसका सारी की सारी हेड पे चढ़ दी। अब उसके बाद घूमते घूमते जैसे मैं मतलब ड्रॉप के पीछे करना शुरू कर दिया, क्योंकि भैया अभी एक ही साधन है बंदे ढूंढने का, लेकिन यहाँ पर भैया एक नहीं दो नहीं बहुत सारे बंदे आ जाएंगे और यहाँ पर देखना कितनी जबरदस्त फाइट होने वाली है। तो भाई एक बंदा ऑलरेडी नॉक था और यहाँ पर मैंने कार भी ब्लास्ट कर दी थी, तो ब्लास्ट डैमेज भी उनको गया होगा, तो मैंने कहा चलो भैया यही टाइम है फटाफट पुश करके मारने का। तो भाई इन लोगों ने स्मोक तो काफ़ी अच्छा खासा कर रखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने अंधा स्प्रे दिया AKM का, मतलब जहाँ स्मोक था बस वहीं पर चलाना शुरू कर दी, क्योंकि जो बंदा था वो जरूर लो होगा क्योंकि अभी अभी रेव हुआ था, तो उसको बस एक ही गोली पड़नी थी और बेचारे की एक पड़ी और बंदा ढेर हो गया। अब इसके पास से मुझे मिल गई M249 Kar98 की घिली सूट वगैरह मिल गया, तो जैसे यहाँ से मैं निकलने लगा तो अभी मुझे एक गाड़ी का साउंड और आ जाएगा। भाई मतलब यार क्या ही स्प्रे दिया था, अगर आपको ये वाला स्प्रे अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को जाकर अभी लाइक ठोक दो सब लोग फटाफट से, और स्प्रे कैसा लगा है मुझे नीचे अगर कमेंट में जरूर बताना। तो यहां से अभी मेरे को एक और M249 मिल गई, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि M24 भी लेनी थी, तो M24 और M249 ले लिया है। तो यहां से मैं गाड़ी लेकर निकल रहा हूं, लेकिन हमारी घटिया किस्मत देखो, सबसे पहले हमारी गाड़ी जो यहाँ पर आकर चुपचाप से ऐसी पलटी जैसे GTA San Andreas और Vice City में पलट के आग नहीं लग जाती, सेम टू सेम वैसे पलट के सीधे होने का कोई नाम नहीं, कोई मतलब ही नहीं, अब हो ही नहीं सकती सीधी। अब जैसे ही थोड़ा सा और आगे आया तो देखा भाई हाँ सामने एयर ड्रॉप है, अब एयर ड्रॉप पर स्कोप करा तो देखा एयर ड्रॉप भी पेड़ के अंदर घुस के अटक चुकी है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक पीछे मैंने गाड़ी देखी थी वहाँ पर चलते उसे उसमें बैठ के आएंगे। तभी वहाँ से भी एक बंदे ने फायर कर दिया, अब बेचारे ने गलती से फायर करा था, लेकिन भाई अब तो कोई गुंजाइश नहीं है, हेडशॉट तो पड़ना है। तो भाई साहब इस बंदे की तो हमने एकदम मतलब छड़ी लगा दी सीधा M24 पे, M24 ही दे दे, चार M24 मारी और इस बंदे को फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर से जो पीछे की तरफ गाड़ी हमने पहले देखी थी उस गाड़ी को उठाकर मैं सीधा आ गया इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर चली थी दो फ्लेयर, मतलब मजाक हो रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर मैं जैसे ही पहुंचा था ऑलरेडी इनको हिल से कोई M24 या Kar98 तो भर ही रहा था, तो मैंने कहा चलो हम भी बीच में थर्ड पार्टी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इतना फायदा नहीं होने वाला। तो भाई ये टीम काफ़ी ज़्यादा समझदार थी, क्योंकि इन्होंने देख लिया था जोन आ रहा है और जोन के बाहर फाइट लेना सही नहीं रहेगा चाहे कितनी भी अच्छी लूट हो, तो ये लोग पहले भाग गए जोन में और इसी टीम के साथ अपना एंड में 1v4 फाइट होने वाला है। अब देख लो इनके पास लूट हो चुकी है तगड़ी, दो फ्लेयर की लूट है और शायद पहले भी कोई ड्रॉप लूटा हो। अब मैं सेफली आ गया इस वाले घर में, मुझे लगा मैं एकदम सेफ हूँ, लेकिन एक बंदा तो ऊपर ही कैंप कर रहा है, तो इसको फोड़ते हैं।
तो इधर की टीम फिनिश करते हैं, मैंने सामने जैसे देखा तभी देखा एक टारजन आ रही है, मतलब पूरी जली हुई। तो सबसे पहले तो ड्राइवर के M24 का चार्टर देखे उसे उतारा, गाड़ी ऑलरेडी रुक गई। और दूसरा बंदा जैसी गाड़ी से उतरा तो उसके भी M249 की लड़ी लगा दी हमने। अब यहाँ पर इन सबको मारने के बाद अब देख लो, मतलब 6 ही बंदे अलाइव हैं, यानी कि एक मैं हूँ एक अलग टीम का, तो वो मर जाएगा अभी, लेकिन अब एंड में बचेंगे पूरे वही 4 बंदे और मैं अकेला। तो देखना क्या सीन होगा। तो भाई ये लोग अपनी खोपड़ी दिखाने को राजी नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों। अब लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा चलो यार इनकी गाड़ी का ना टायर पंचर कर देते हैं, और गाड़ी का टायर पंचर करने के चक्कर में देखना कितना गलत सीन हो जाएगा इनके साथ। तो भाई वो एक टाइप से बहुत ही लकी हेडशॉट था, क्योंकि मैंने वो चलाया था गाड़ी का टायर पंचर करने के लिए, लेकिन बंदा उसी विंडो पर आकर खड़ा हो गया और बेचारे का हेड लग गया। अब इसको मारा, अब इनके ऐसे हो चुकी थी, इनको पता था गाड़ी वाड़ी भी फोड़ देगा ये, तो यहाँ से अब निकलते हैं लोग पैदल ही। मतलब अब देखना इन्होंने पूरा स्मोक पाथ बनाएंगे, लेकिन मैं भी एक अलग ही लेवल दिमाग लगाऊंगा। तो भाई वो लोग स्मोक कर करके जोन के अंदर जो एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आगे कुछ बोलूंगा नहीं, बस देखते जाओ मैं कैसे खेल रहा हूँ और क्या क्या करता हूँ और इनकी कैसे बैंड बजाता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वाला जो गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को जाकर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा फटाफट जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप के क्लच मूवमेंट्स और सारे ओपी मूवमेंट्स वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।